जौनपुर में सप्ताह भर तक चलने वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक चूड़ी मेला शुरू हो गया है। मेले में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं ने रंग बिरंगी चूड़ियां सहित अन्य सामानों की खरीदारी की। यहां चूड़ी मेला 180 वर्षों से लगातार लगता चला आ रहा है। यह चूड़ी के मेले का नाता रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तभी माता जानकी आज मेले में पहुंचकर श्रृंगार की सामान की खरीदारी की। कलाकारों को जब राम लक्ष्मण व जानकी का रूप देखा तो लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। जौनपुर के शाहगंज प्रसिद्ध चूड़ी मेले के बारे में मान्यता है, लंका पर विजय के बाद प्रभु राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापसी के बाद माता सीता ने अपनी सहेलियों के साथ श्रृंगार हाट पहुंचकर खरीदारी की थी। ऐसे में यह मेला महिलाओं के लिए शुभ का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी के पर्व के एक सप्ताह बाद नगर में चूड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों के व्यापारी आकर यहां दुकान लगाते हैं। मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करती हैं। साथ ही क्षेत्र की मुस्लिम महिलाएं भी इस मेले में सम्मिलित होती है। यह मेला करीब सप्ताह भर तक चलता है। इस मेले में पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है। महंगाई की बात करें तो मेले में बिकने वाले सामान पहले से महंगा बिक रहा है। महंगाई का असर महिलाओं के रंग बिरंगी चूड़ियों पर भी देखी जा सकती है। चूड़ी ऐतिहासिक मेले के बारे में बताएंगे, आज हमारी दुकान पे सीता जी आई और बहुत सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए कि हमारी दुकान पे सीता जी आई। और बरसों से जो मेला ये 150 साल से चला आ रहा है, इसकी परंपरा सीता जी ने रखी और आज सीता जी स्वयं यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा। खास चूड़ियाँ के नाम से मेला है और चूड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा बिकती है, जो कम से कम 200-250 वैरायटी हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता। हम 30 साल से आ रहे हैं, बहुत पुराना 150 साल। जी गंगा जमुना की तहजीब जो हमेशा से चली है, ये आज भी आपको दिखेगी। हम लोग मुसलमान हैं लेकिन सीता जी को हम लोग ने अपने हाथ से चूड़ी बनाई, ये गंगा जमुना जी की तहजीब है जो हमेशा रहेगी। सुरक्षा बरकरार रहती है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। यहाँ के लोगों का प्यार हम लोगों के दिल में बसा हुआ है, यहाँ के लोग हम लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेला यहाँ पे आज जमा हुआ है। कोई महंगाई नहीं है, सब लोग ले रहा है चूड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता है कि राम जी और लक्ष्मण जी और हमारी सीता मैया जब वनवास करके लौटी थी तो हमारे शाहगंज में कुछ समय दे करके यहाँ पे चूड़ी मेले में अपने श्रृंगार का सामान खरीदी थी, तो वो प्रचलन कंटिन्यू हमारी चली आ रही है। वो प्रथा को निभाते हुए आज हमारे सामने राम श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी इस प्रथा को निभा रहे हैं और आज चूड़ियों के मेले में इन्होंने कुछ चूड़ियां खरीदा। इस मेले में गंगा जमुनी की ताजी देखने को मिलती है, मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, तो क्या कैसा लगता है मेले? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक जैसे जो प्रचलन चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, वो हम लोग निरंतर इसको बना के चल रहे हैं। महिलाओं का इंतजार होता है इस मेले बहुत ज्यादा, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़ आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि आज राम जी का, जैसे जो राम जी और सीता जी हमारी यहाँ पर आने वाली थी, तो लोग और भी ज्यादा मात्रा में भीड़ में आए। प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी, इतनी खुशी है कि हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। खुशबू जैसे मैं सीता माता बन के आई हूँ चूड़ी मेले में। मैंने कुछ श्रृंगार के सामान लिए हैं, उसमें मैंने चूड़ियाँ और कुछ हाथ की चीजें ली हैं और मैंने कुर्तियाँ भी ली। यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी आपकी सहेली की भूमिका निभाते हुए आपके साथ साथ खरीदारी कर रही हैं, ये जो एक आपसी सौहार्द के जो संदेश जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ हमारी सहेलियों का भी लेके आई है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि ये चूड़ी मेला हर साल लगता है। चूड़ी की मेले की क्या खासियत, क्या कहना चाहेंगे? जो चूड़ी मेले में सारी औरतें अपने श्रृंगार का सामान लेती हैं, इधर सबके सब लोगों के उत्साह में रहती हैं कि आज इधर जाना है हमें और सब अपने खरीदारी करते हैं। आप माता सीता के रूप में यहाँ नगर वासियों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हमारा आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहेगा। संत राशि से आ रहे हैं, इस मेले में चूड़ी ज़्यादा बिकती है, अच्छी डिजाइन लाते हैं हम लोग, उसकी बिकती है। बहुत डिजाइन है, बॉम्बे का है, जयपुर का है, कलकत्ते का है। खेता चढ़ाए जौनपुर ये सब तक जाते हैं। महंगाई पर असर तो है। हाजी मोहम्मद असलम, ये मेला हमारा रामीला से चल रहा है, यहाँ पे जो हमारी इतिहासिक रामीला यहाँ पर चलती है उसकी वजह से यहाँ का चूड़ी का मेला लगता है। और इस चूड़ी के मेले में हमारे सीता माँ आती हैं और यहाँ पे चूड़ी का श्रृंगार करती हैं और इस मेले का शोभा बढ़ाती हैं।
ये लगभग लगभग मेला 125 साल हो गई होंगी। इस मेले में खास चूड़ी की दुकानें और कपड़े और खिलौने ये खास होती हैं और चाट। प्रभुराम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कितनी खुशी होगी इस बार? इस बार तो बहुत खुशियां होंगी क्योंकि हम 2024 में जो राम जी का मंदिर बनकर तैयार होगा वो भव्य और अच्छी होगी। और विनोद मोदनवाल, मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती होती है, साथ ही रामलीला समिति कार्यकर्ता भी मेले पर नजर रखते हैं। बताया जाता है कि लंका पर विजय के बाद जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या पहुंचे, इसके बाद माता सीता ने अपनी सहेलियों के साथ सिंगार हाट पहुंचकर खरीदारी की थी। यह मेला उसी की याद दिलाता है। इस मेले में क्षेत्र के अलावा आजमगढ़, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर वाराणसी की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचकर खरीदारी करती हैं। जिस मोहल्ले में मेला लगता है उसका नाम ही चूड़ी मोहल्ला पड़ गया। मेले को लेकर महिलाओं में उत्साह रहता है। यह मेला अपने आप में अनोखा और अलबेला है। मेले में चूड़ी, कंगन, काकरी के बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, हैंडबैग, चप्पल आदि की दुकानें लगती हैं। मेले की खास बात तो यह है कि मेला गंगा जमनी संस्कृति की मिसाल भी पेश करता है। यहाँ हर वर्ग लोग मेले में पहुँच कर आनंद लेते हैं। सागंज की रामलीला 180 वर्ष पुरानी रामलीला हमारी है और इस रामलीला में अलग अलग जितने भी भगवान राम की लीलाएं हैं सबको हम लोग दर्शाते हैं। उसी उद्देश्य से आज सीता सिंगार मेला का दिन है जो हमारे नगर में चूड़ी मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। वहाँ पूरी तरीके से मेला लगता है। भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी रावण पर विजय प्राप्त करते हुए जब अयोध्या धाम को आते हैं तो वहाँ पे भरत जी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद माता सीता को श्रृंगार मेला ले जाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये श्रृंगार मेला निकला हुआ है और हम लोग उस मेले में जा कर के माँ जानकी जो भी कुछ लेना चाहेंगी वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको अपने दिल से उनकी सेवा करते हैं, इसलिए ये मेला लगता है। हाँ, उसी उद्देश्य को रामायण काल से ये चला आ रहा है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग इस तरीके का आयोजन करते हैं और माता जानकी स्वयं जाती हैं उस मेले में अपनी सहेलियों के साथ। आज वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। प्रभुराम का मंदिर बनकर तैयार, कितनी खुशी है नगर वासियों को, हमारे खासकर हमारे सहागंज के नगर वासियों को, चूँकि हम लोग बहुत पास में हैं इसलिए हम लोगों को तो इतनी खुशी है कि हम लोग अगर सुबह चाहें तो यहाँ से दर्शन करने चले जाएं और शाम को वापस आएं। तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन कोई न कोई यहाँ से अपनी पूरी टीम लेकर के अयोध्या दर्शन को जा रही है और पूरा समाज इस दर्शन करने के लिए उतावला है, बनकर तैयार है और सब लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि किस दिन सबको चलना है। इस मेले में गंगा जमुनी के मुस्लिम परिवार के लोग भी आते, आज आपको मेले में इसका स्वरूप देखने को मिलेगा। गंगा जमुना की तहजीब जो कही जाती है आज वो साक्षात रूप से आपको देखने के मिलेगा। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से आज इस मेले पे उस चीज़ को दिखाया जाए। संदीप जायसवाल, श्री रामलीला समिति अध्यक्ष, सागंज। वहीं अयोध्या में जल्द प्रभु राम की मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है और मेले में पहुंचने वाले लोगों ने प्रभु राम के जन्मस्थली पर बन रहे मंदिर का तारीफ भी किया। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर।